पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि बाजार ने किन खबरों और संभावनाओं को बचा लिया है। फिर भी मेरा एसेट म्यूचुअल फंड के हर्षद बोरावागे का मानना है कि बाजार अब इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि महंगाई अपने चरम पर है। मनी कंट्रोल से बातचीत में हर्षद बोरावागे ने कहा कि खुदरा महंगाई रेट अभी भी RBI के 2-6% के टारगेट रेंज से ऊपर है। ऐसे में RBI अपने रेपो रेट में बढ़ोतरी जारी रख सकता है, लेकिन कमोडिटी की कीमतों में हाल में आई गिरावट और मानसून की अच्छी चाल को देखते हुए अनुमान है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर RBI का रुख दुनिया के दूसरे केंद्रीय बैंकों की तुलना में कुछ नरम होगा। US फेड के हाल के फैसलों पर बात करते हुए हर्षद ने कहा कि पिछली फेड मीटिंग में ब्याज दरों में की गई 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी उम्मीद के मुताबिक ही रही। इसके अलावा US फेड के चेयरमैन जेरोम पोवेल ने ग्रोथ में मंदी की बात स्वीकार की है। उन्होंने ये भी कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी जरूरत के हिसाब से पीछे चल रही है, जिसको देखते हुए अभी मौद्रिक नीतियों में और सख्ती आ सकती है। उन्होंने आगे कहा कि कमोडिटी की कीमतों में हाल में गिरावट आई है, ऐसे में आगे महंगाई में कमी आ सकती है। ग्लोबल इकोनॉमी पर बात करते हुए हर्षद ने कहा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते ग्लोबल सप्लाई चेन पर नेगेटिव असर पड़ा है। इसकी वजह से एनर्जी और फूड की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है। ये स्थिति कब तक कायम रहेगी, इसका हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन इतना पक्का है जब तक ये स्थिति रहेगी तब तक ग्लोबल ग्रोथ पर दबाव बना रहेगा। कैपिटल गुड्स सेक्टर के संभावनाओं से जुड़े सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर से आने वाले निवेश में हमें कोई खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। जैसे ही इकॉनमी सामान्य स्थिति में लौटेगी और इंडस्ट्री यूटिलाइजेशन में सुधार होगा, वैसे ही निजी निवेश बढ़ता दिखेगा। इससे कैपिटल गुड्स सेक्टर को फायदा होगा। इसके अलावा PLI जैसी सरकारी स्कीमों से भी इस सेक्टर को सपोर्ट मिलेगा। पावर सेक्टर में निवेश की संभावना पर उन्होंने कहा कि पावर सेक्टर कई सालों से डी रेटिंग के दौर से गुजर रहा है। इसके अलावा ESG से जुड़ी चिंताएं इस सेक्टर पर और दबाव बनाती रही हैं, लेकिन इकोनॉमी रिकवरी की गति पकड़ने और ESG से जुड़ी चिंताओं के समाधान के शुरुआत के साथ ही आगे हमें पावर सेक्टर में निवेश आता नजर आएगा। इसके अलावा सरकार ने ग्रीन एनर्जी के लिए काफी बड़े लक्ष्य तय कर रखे हैं, जिसकी वजह से भी पावर सेक्टर में निवेश के अच्छे मौके नजर आ रहे हैं। moneycontrol.com पे दिए गए विचार एक्सपर्ट्स की अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।